तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाली गांव पश्चिमी वन मंडल परिक्षेत्र छिंदी के अंतर्गत लगभग 30 से 40 गांव में चल रहे प्रशिक्षण में किसान भाइयों को बीजीकरण पद्धति की जानकारी व पौधों को लगने वाले रोगों की जानकारी बाहर से आए प्रशिक्षित डॉक्टर अर्चना सीनियर साइंटिस्ट जबलपुर ने जानकारी दी। इस अवसर पर तामिया एसडीओ एवं छिंदी रेंजर भूपेश चौरसिया व सैकड़ों किसान मौजूद रहे और पेड़ में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में दी जानकारी, अचार, हर्रा, बेड़ो, महुआ, ये आंवला, सारे बीज अकरण आपके हैं जी हाँ। इनको जैसे किस तरीके से तोड़ना है, तैयार करना है, इस बारे में आपको प्रशिक्षण दिया गया जी। डोंगरा में महिला स्व सहायता समूह जो बनी है अचार का, तो वहाँ वो लेडीज़ गुठली खरीदती हैं और चिरौंजी निकालती हैं, चिरौंजी बेचती हैं। ये आज का जो प्रशिक्षण है ये पूर्व निर्धारित था। हमारे यहाँ वन परिषद छिंदी की जो वन समितियाँ हैं, वन प्रबंधन समितियाँ हैं, उन सदस्यों को जबलपुर से जो टीम आई है जिसमें डॉक्टर अर्चना मैडम सीनियर साइंटिस्ट, जिनके द्वारा चिरौंजी संग्रहण संवर्धन और उसका सस्टेनेबल प्रबंधन उत्पादन हम कैसे करें, इस बारे में समस्त जो समिति सदस्य थे, वन का स्टाफ था, उन सबको इनके संग्रहण के बारे में बताया गया कि हम समय के पूर्व यदि हम फल नहीं तोड़ते हैं, पूर्ण पकने के बाद तोड़ते हैं, तो हमें उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी का फल प्राप्त होगा, और संग्रहण करते समय क्या क्या सावधानियां रखें, फल में पेड़ों में किस प्रकार की बीमारियां लगती है, किस प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, इन सब के कंट्रोल और उनके नियंत्रण के बारे में मैडम के द्वारा विस्तार से जो है बताया गया है।